देखो आज हम बनाएंगे मटन कोरमा। मटन कोरमा बनाने के लिए ये मेरे पास जो गोश्त है ये फ्रीजर में पड़ा था, फ्रीजर में मैंने निकाला। उसी वक्त फौरन कुकर में मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया और वो गोश्त फ्रीजर से निकाल के इसके अंदर डाल दिया और ऊपर ढक्कन दे दिया। 5 मिनट बाद ये सारा गोश्त खुल गया। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ये गोश्त होगा तकरीबन 1.5 किलो। अब इसमें एक प्याज डालेंगे, 2 बड़े साइज के टमाटर डाल देंगे। आप इस तरह चाप करके डाल देंगे। टमाटर चले गए, मसाले डालेंगे। रेड चिली स्पून मैं टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से डालें। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, नमक भी डालेंगे जायके के हिसाब से। साथ ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून भरकर साबुत गरम मसाला। आप इसको ढक्कन दे देंगे। ढककर इसको आधा घंटा गलाएंगे या इतने तक गलाएंगे जितने तक हमारा 90% गोश्त नहीं गल जाता। साथ ही हम कस्टर्ड बना लेंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध रख दिया ऊपर चूल्हे पे। अब इसमें डालेंगे चीनी, आप चीनी जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून चीनी डाल दी। साथ मैंने कस्टर्ड हल्का लिया, पानी में मैंने हल्का लिया। पानी में भी कर सकते हैं, दूध में भी कर सकते हैं। दूध मेरे पास गर्म था, मैंने पानी में 2 टेबल स्पून कस्टर्ड को हल्का लिया। अब इसमें कस्टर्ड डाल देंगे और 7 चम्मच चला कर चमचा हो रही जो भी हो उसे चमचे को मुसलसल चलाते रहेंगे। कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया। कस्टर्ड को केक डालना है, इसको ज़्यादा घना नहीं करना। अगर ज़्यादा घना करें तो केक भी पानी पीता है ना, इसमें जैसे दूध उसने भी पीना है, फिर ज़्यादा खुश्क हो जाता है। अब इसको साइड पे करते हैं। अब मैंने कुछ मीठे केक डाल दिया बर्तन में, ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। ऊपर फिर केक डालेंगे। केक बच्चे पसंद करते हैं और उससे मज़े का बनता है। दूसरा जो बच्चे करते हैं सारा ऊपर डाल देंगे। केक को नीचे कर देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर ऊपर गार्निश करेंगे। अब हम अपने गोश्त को भी देख लेते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ और मसाले डालकर इसको फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। अब इसको फ्राई करेंगे। अब ये मेरे पास 1 ब्राउन प्याज है, 2 सब्ज़ मिर्चें, इनको आधा पाव दही डाल के इनको ग्राइंड कर लेते हैं। अब साथ ही डाल देते हैं ये जो प्याज हमने ब्राउन किए हुए हैं, आधा पाव दही दे के 2 हरी मिर्चें दे के इनको हमने ग्राइंड कर लिया। ज़्यादा ग्राइंड बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा प्याज होता है। ये चला गया। 1 टेबल स्पून बादामों का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर ये डाल देंगे और इसको अब 5 से 7 मिनट की बनाई करेंगे। साथ ही आप हम तेल भी डालेंगे। मुझे तेल ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये जो मटन है इसने अपना इसमें चिकनाई थी और हमें वो तेल काफ़ी है। अब मैंने गोश्त को अच्छी तरह भून लिया, फ्राई हो गया। पहले जो मैंने प्याज डाला था वो छोटा सा प्याज था, ज़्यादा प्याज डालने से भी हड्डी गोश्त जो है वो मीठा हो जाता है। आप इस बात का भी ख्याल रखना, वो छोटा सा प्याज था। दूसरे बार मैंने जो डाला 1 प्याज मैंने उसको फ्राई किया, ब्राउन किया, ब्राउन प्याज था। अब वो डाला, जो मैंने चीज़ें डाली आप वो डालें। अब पानी इसमें डालेंगे, थोड़ी कसर रहती है, गोश्त में भी कसर है और हमें शोरबा भी चाहिए। अब इसमें ढक्कन दे देते हैं, इतनी कसर है। अब इसमें को मैंने 5 मिनट ढक्कन देना है।
अब हम शोरबे के मुताबिक पानी डाल देंगे कि हमें शोरबा कितना चाहिए। हम ढक्कन दे देंगे। अब ये हमारा मटन कोरमा तैयार है, आप ट्राई करना। इसको सेट पे करते हैं, रोटियां बनाते हैं, सलाद बनाते हैं, फिर मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी। ये ले जी, मैंने तैयार कर लिया है। ये मेरा कोरमा है और ये कस्टर्ड है। कस्टर्ड पर आपने ऐसा करना है, आखिर में जब पेश करना हो उसमें सेब काट के ऊपर डालें, सेब का छिलका नहीं उतारना, आप इस तरह के पीसों में काट लें। साथ मैंने सलाद तैयार कर लिया और ये रोटियां मैंने पैन में रख ली। तो खाने वाले आए हैं, आप उनको देते हैं। अल्लाह करे आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी।